नमस्कार, मैं जानवी शुक्ला और आप देख रहे हैं रेडियो गणपुरिया। आज मैं आपको बताने आई हूँ एक ऐसे त्यौहार के बारे में जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं में मनाया जाता है। इस त्यौहार का नाम है नेवरी नवमी। इस त्यौहार में माताएं अपने बच्चों की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही नेवले की पूजा करके दाल की पिट्ठी भर के बिढ़ई बनाई जाती है, जिसे आटे के शीरे के साथ में खाया जाता है। इस त्यौहार के पीछे की कथा यह है कि एक गांव में एक पंडित और पंडिताइन रहते थे, जिसकी एक संतान थी और उन्होंने एक नेवला पाल रखा। एक दिन की बात है, पंडिताइन पानी भरने के लिए कुएं में गई हुई थी और पंडित जी पूजा कराने के लिए बाहर गए हुए थे, तो पंडिताइन ने नेवले को बच्चे की रखवाली के लिए वहां पर छोड़ा और उससे कहा कि बच्चे की देखरेख में रहना। उसी बीच वहां एक सांप आया, जिसे देखकर नेवले और सांप के बीच लंबी लड़ाई चली। आखिरकार नेवले ने सांप को मार गिराया और शाबाशी के उम्मीद में दरवाजे पर आकर पंडिताइन का इंतजार करने लगा। जैसे ही पंडिताइन दरवाजे पर आई और उन्होंने नेवले के मुंह पर खून लगा देखा, तो उन्हें यह आभास हुआ कि नेवले ने उनके बच्चे को कुछ क्षति पहुंचाई है, जिसके क्रोध में आकर उन्होंने पानी से भरा घड़ा नेवले के सर पे दे मारा, जिससे नेवले की जगह पर ही मौत हो गई। जब अंदर जाकर पंडिताइन ने अपने घर की हालात देखी, तब उन्हें समझ में आया कि नेवले ने लड़ाई में सांप को हराकर उनके बच्चे के प्राणों की रक्षा करी है, जिसके एवज में पश्चाताप के लिए उन्होंने नेवले की सोने की मूर्ति बनाकर उसे दान करके उसकी पूजा अर्चना करी। और तभी से यह मान्यता चल रही है कि आज के दिन सावन की नवमी को नेवले की पूजा करके माताएं अपने बच्चों की आयु और सुख समृद्धि के लिए यह पूजा करती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।